Yes, I will start today federalism. And before this period, I have started power sharing. ठीक है, हमने सभी चैप्टर्स को कवर करना है और यूरोप भी हम साइड बाय साइड कर रहे हैं, लेकिन सिविक्स भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो दैट विल आल्सो बी कवर साइड बाय साइड बिकॉज दिस वीक ओनली वन लेक्चर इज देयर ऑफ दिस क्लास. ठीक है, सो नाउ फेडरलिज्म चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस चैप्टर आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है? वन स्टेटमेंट विल बी गिवन एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट टर्म फॉर दैट. तो टर्म क्या है फेडरलिज्म की? व्हेन पावर्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू सेंटर एंड स्टेट, या फिर व्हेन पावर्स आर टेकन फ्रॉम सेंटर एंड गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, अब हमने इस चैप्टर में, यानी कि इस चैप्टर से पहले हमने पढ़ा बेल्जियम. बेल्जियम में पहले कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन बाद में जब बेल्जियम में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, देन बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू विच फॉर्म? फेडरल. तो बेल्जियम का जो एग्जाम्पल एट प्रेजेंट, अगर हम कहें कि बेल्जियम किसका एग्जाम्पल है, यूनिटरी का एग्जाम्पल है या फेडरल का एग्जाम्पल है? फेडरल का. तो यूनिटरी और फेडरल के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल. कार्तिक, यूनिटरी और फेडरल में क्या फर्क होता है बेटा? अगर मैं कहती हूँ कि बेटा एक कंट्री में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और एक कंट्री में फेडरल है, सपोज श्रीलंका में यूनिटरी है एंड बेल्जियम में फेडरल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या मेन डिफरेंस? सिंगल गवर्नमेंट. ठीक है, ऑर्गेन्स नहीं होते, लेवल्स. ऑर्गेन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल. लेवल होते हैं सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, तो वेरी गुड. ठीक है, यूनिटरी का मतलब क्या होता है? यूनिट, यूनिट मतलब सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज देयर. एंड फेडरल का मतलब क्या होता है? टू और मोर देन, टू और मोर देन टू. मोर देन टू मतलब यानी कि दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. बेल्जियम के केस में कितने हैं? थ्री हैं, सेंटर स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट. इंडिया के केस में भी थ्री हैं, सेंटर स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, हाँ लेवल ही हो गया है ना. और कोई डाउट इसके रिगार्डिंग फेडरलिज्म? बैठ जाओ. भूमिका एंड तृप्ति ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? क्लियर, मीनिंग क्लियर होना चाहिए. मीनिंग अगर क्लियर होगा तो ही आप उसका आंसर दे सकते हो. इसके बाद आ जाओ फीचर्स. फीचर्स में आपको आ सकता है नंबर ऑफ फीचर्स विल बी देयर. विच आउट ऑफ फोर इज नॉट द फीचर? वो तभी पता लगेगा जब आपको सारे फीचर्स पता होंगे कि इंडिया और इंडिया के अलावा वो कंट्रीज जहां पे फेडरलिज्म होता है उन कंट्रीज के क्या फीचर होते हैं. नंबर वन, टू और मोर, मोर देन टू, यानी कि जहां पे फेडरलिज्म होती है वहां पे या तो दो लेवल होते हैं और मोर देन टू कैन, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. जनरली फेडरलिज्म का ये फर्स्ट फीचर होता है. सेकेंड इज डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट. टायर का मतलब सेंटर स्टेट एंड लोकल. ठीक है, डिफरेंट टायर का मतलब होता है डिफरेंट लेवल. डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट टायर या डिफरेंट लेवल गवर्न सेम सिटीजन. कैसे? फॉर एग्जाम्पल वी आर कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, वी आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड वी आर कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी कि सिटीजन सेम है, उनको अलग अलग तरह की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. सम रूल्स एंड रेगुलेशंस वी हैव टू फॉलो बिकॉज वी आर लिविंग इन जलंधर, हमें कॉरपोरेशन के फॉलो करने पड़ेंगे. सम रूल्स एंड रेगुलेशंस बींग द डोमिसाइल ऑफ पंजाब, हमें पंजाब के फॉलो करने पड़ेंगे. सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड जो हम इंडिया एज अ इंडियन, लेकिन हमारी आइडेंटिटी हमारे पासपोर्ट पे क्या है? इंडियन. ठीक है, तो ये शो करता है डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट. सेंटर स्टेट एंड लोकल गवर्न सेम सिटीजन. यहाँ पे अगर डिफरेंट वर्ड आएगा तो किसको चुनोगे, सेम या डिफरेंट? सेम, सिटीजन सेम ही होगा. ठीक है, देन थर्ड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू विल बी सेम और डिफरेंट? डिफरेंट, अलग अलग होंगे. कुछ टैक्स हमें कॉरपोरेशन में, जलंधर में रहते हुए हमें कॉरपोरेशन को देने पड़ते हैं, वो आ गया आपका कॉरपोरेशन टैक्स. कुछ टैक्स हमें पंजाब गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, सपोज मंथली 200 रुपीज जो है वो मैं पंजाब गवर्नमेंट को पे करती हूँ, या सपोज मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदती हूँ, वट एवर कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, तो ये किसको पे करना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट. इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमेशा किसको पे करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करेंगे इनकम टैक्स. इसका मतलब क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल या जो रेवेन्यू है या टैक्स है वो क्या होंगे? सेम होंगे या अलग होंगे?
विल बी डिफरेंट, ताकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास भी पैसा हो, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसा कलेक्ट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ये होता है नेक्स्ट फीचर फेडरलिज्म का. ठीक है, नेक्स्ट है, कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी चेंज ओनली अ सिंगल बाय अ सिंगल लेवल? नो, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी सेंटर या स्टेट के द्वारा अलग अलग नहीं चेंज होगा, इकट्ठा चेंज होगा. इसके लिए क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा बिल पास होगा, अमेंडमेंट बिल जिसे कहते हैं. ठीक है, ये फार्मर्स का जो बिल है ये भी तो अमेंडमेंट बिल ही है ना. इसके अलावा जब सेंटर पास कर देगी ना, फिर इसको स्टेट गवर्नमेंट भी पास करेंगी. जब स्टेट गवर्नमेंट पास करेंगी तब ये बिल जो है एक्ट बनेगा और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे. कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कभी भी एक लेवल के द्वारा नहीं हो सकते. एक लेवल का मतलब सेंटर गवर्नमेंट. बोथ द लेवल मतलब सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब क्या है? अच्छा, एक और चीज भी, हमारी कंट्री में एमरजेंसी के टाइम पीरियड में हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर यूनिटरी रह जाता है या फेडरल? यूनिटरी. आपने 9th में पढ़ा था ना, जब प्रेसिडेंट एमरजेंसी पावर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरी कंट्री का स्ट्रक्चर जो है, पूरी कंट्री का कंट्रोल किनके हाथ में आ जाता है? प्रेसिडेंट. सपोज जब पाकिस्तान अटैक हुआ या जब चाइना अटैक हुआ इंडिया में, ऐसे में क्या सीएम अपनी स्टेट के अलग पॉलिसीज बनाएंगे? ऐसे में सेंट्रल लेवल विल मेक यूनिफॉर्म पॉलिसीज फॉर द होल कंट्री फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट की पावर्स क्या हो जाती हैं? सुप्रीम हो जाती हैं. लेकिन जब हालात नॉर्मल हो जाते हैं, अगर तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया हुआ, तो लोकसभा के इलेक्शंस क्या होंगे? फिर से होंगे. और कंट्री में जब वॉर खत्म हो जाएगी, ये वॉर 6 months भी रह सकती है, 1 year भी रह सकती है, लेकिन हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जब वॉर खत्म हो जाएगी, कंट्री में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का करवाना जरूरी है. यही रीजन है कि हमारे इंडिया में जब भी चाहे चाइना अटैक चाहे पाकिस्तान अटैक, जब भी अटैक हुआ, उसके बाद जब कंट्री में कंडीशंस नॉर्मल हो गई तो हमारी कंट्री में फिर से लोकसभा इलेक्शंस हुए. एंड इसका बेस्ट प्रूफ क्या है कि अभी तक हमारी कंट्री के कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके. अगर हमारी कंट्री में ऐसा ना होता तो हो सकता है जो प्रेसिडेंट थे वो कभी इलेक्शन ही ना करवाते और हमारी कंट्री में कौन सा रूल आ जाता? डिक्टेटर. लेकिन हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को इतना सोच समझ के बनाया गया है, कोई भी पर्सन डिक्टेटर नहीं बन सकता. यही रीजन है कि आज तक हमारी कंट्री में 1947 के बाद डिक्टेटरशिप रूल नहीं आया. ठीक है, नेक्स्ट. इसके बाद है कोर्ट. हमारी कंट्री का कोर्ट क्या है? जुडिशरी इंटीग्रेटेड है. इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर देयर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर कनेक्टेड विद द हाई कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स आर कनेक्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अगर तो दो स्टेट्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा है या फिर एक तरफ सेंटर है, एक तरफ 2 या 3 स्टेट्स है, उनके मैटर को कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट. अगर एक स्टेट के अंदर 2 districts के बीच में कोई प्रॉब्लम है, उसको कौन सॉल्व करेगा? 2 districts के बीच में प्रॉब्लम है, हाई कोर्ट. और उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. लोकल लेवल के जो केसेस होते हैं, सपोज डिवोर्स केसेस हैं या कुछ है, सबसे पहले ये केसेस कहाँ पे जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको आगे किसको अपील करेगा? हाई कोर्ट. सीधा केस कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, वो केस जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट ने क्या किया होगा? अपीलेट. ये आपने 9th में पढ़ा होता सारा जुडिशियल. ये भी हमारी कंट्री का फेडरल सिस्टम है, इसका एग्जांपल है. इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जस्टिस के लिए भी अलग अलग लेवल्स दिए गए और इन लेवल्स को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी. दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड. कनेक्टेड का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड जो हाई कोर्ट्स हैं, दीज आर गिवन गाइडलाइंस टाइम टू टाइम बाय द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो ये मैंने आपको कॉमन फीचर भी बता दिए, साथ साथ मैंने इंडिया का भी बताया. ठीक है, इसके बाद है, नेक्स्ट है बेटा, आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए. टू रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड. फेडरेशन बनती कैसे? टू रूट्स में याद रखो, एक तरफ है कमिंग टुगेदर और एक तरफ है होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर, सपोज कमिंग टुगेदर में हम ये कहेंगे कि ये सारे अलग अलग जो मतलब स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये अपनी अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट, ये अपनी अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर. अब इनको ये डर है कि कोई बिगेस्ट पावर इनके ऊपर अटैक ना कर दे, तो व्हाट विल दे, क्या उनका डिसीजन होगा? दे विल फॉर्म अ फेडरेशन और यूनियन.
ऐसा ही अमेरिका के इंडिपेंडेंट स्टेट्स या इंडिपेंडेंट एरियाज ने बनाया व्हेन दे गेन्ड कंट्रोल, व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स. अर्लियर यू नो अमेरिकन एरियाज वर आल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश कॉलोनीज थे वो. लेकिन जब उनको ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस मिली, लाइक अस, वो दे बिकेम इंडिपेंडेंट, वो अलग अलग हमारी कंट्री जो थी ना, हमारी कंट्री तो कनेक्टेड थी, उनके जो एरियाज थे दे वर इंडिपेंडेंट, उनके एरियाज इंडिपेंडेंट. अब इमेजिन करो, सपोज बाल्कन्स जो थे व्हेन दे गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, वो अगर बनाते तो उनका क्या, सपोज वो यूएसए की तरह होते तो उनका क्या बनता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बाल्कन, सपोज अगर ऐसा होता. लेकिन वो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हुए लेकिन क्या नहीं हुए, बिगर यूनिट यूनाइटेड नहीं हुए. और इसी का फायदा किन्होंने लिया, किसने लिया इसका फायदा, बहुत सी कंट्रीज, जिन कंट्रीज से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया. और ये रीजन था कि बाल्कन एरिया धीरे धीरे क्या हो गए, अलग हो. लेकिन यूएसए जो है उन्होंने एक बिगर यूनिट बनाया, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कमिंग टूगेदर फेडरेशन. अब यूएसए के अलावा आपने, सपोज मैं आपसे पूछती हूँ बेटा, राइट डाउन द थ्री कंट्रीज हैविंग कमिंग टूगेदर फेडरेशन. यूएसए तो है ही है, यूएसए की फुल फॉर्म की तरह उसको भी याद कर लो, यूएसए. एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया. तीन कंट्रीज हो गई, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया. स्विट्जरलैंड भी ऐसे ही बना, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही बना. तो ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, कमिंग टूगेदर फेडरेशन. अब आ जाओ होल्डिंग टूगेदर, इधर आ जाओ होल्डिंग. ये है इंडिया की एग्जाम्पल. इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़कर चले गए. हमारी कंट्री उस टाइम पीरियड में क्या थी, एक कंट्री थी, वर डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ सिंगल सिंगल यूनिट्स और काइंड ऑफ सम वर प्रिंसली स्टेट्स आल्सो. लेकिन हमारी एक कंबाइन कंट्री बनी. वॉज इट पॉसिबल फॉर द फॉर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू कंट्रोल होल ऑफ द एरियाज, बिकॉज आर कंट्री वॉज मल्टीलिंगुअल एंड रीजनल. तो उसके लिए हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एक सेंटर रखा और सेंटर को आगे डिवाइड कर दिया इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और इन यूनिट्स को क्या कहा गया, स्टेट्स. होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग का मतलब क्या है, सेंटर है, सेंटर ने सबको होल्ड करके रखा हुआ है. जैसे पपेट शो देखते हो, पपेट शो दिखाने वाला क्या करता है, सभी पपेट्स की स्ट्रिंग को अपने हाथ में रखता है. ऐसे ही सोचो कि सेंटर एक पपेट शो दिखाने वाला है और सारी स्टेट्स क्या है उसके हाथ में, पपेट्स. वो उन सभी स्टेट्स को होल्ड करते हैं, होल्ड इन द सेंस. फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पीरियड में आपने बहुत टाइम सुना होगा कि आज प्राइम मिनिस्टर सभी सीएम्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद क्या डिसीजन लिया जाएगा, लॉकडाउन, लॉकडाउन वन, लॉकडाउन टू, धीरे धीरे आपने सारा देखा था. तो ये क्या था, होल्डिंग टूगेदर. होल्डिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें सेंटर स्टेट्स को अपने अंडर रखते हैं और उनको गाइडलाइंस देते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट जो है वो बिल्कुल ही सेंटर के अंडर है. इन सम ऑफ द एरियाज स्टेट गवर्नमेंट्स आर फ्री टू टेक सम डिसीजंस. इन डिसीजंस को लेने के लिए उनको कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए. ये सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में है, कौन सी लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री में लिस्ट सिस्टम क्या है और हमारी कंट्री में फेडरलिज्म के फीचर्स क्या. ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. अब हमारी कंट्री के फेडरलिज्म के फीचर, अगर तो 5 मार्क्स में होता तो हम उसके हेडिंग्स को याद करते थे और उसको एक्सप्लेन करते थे. लेकिन लर्न स्ट्रेटजी सेम रखो, चाहे एमसीक्यूज में आपने लर्न करना है, लेकिन क्वेश्चन के हेडिंग्स ऐसे याद रखो ताकि उन हेडिंग्स में कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आए तो आपको पता हो. अब सपोज मैं आपसे, आपको कहती हूँ कि बेटा लिस्ट सिस्टम को कैसे याद रखना. लिस्ट सिस्टम को आपने याद रखने के लिए सबसे पहले 4 लिस्ट याद रखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिडेंट लिस्ट. फिर याद रखो कि इनमें सब्जेक्ट्स किस इंपॉर्टेंस के. यूनियन के जो इंपॉर्टेंस है किसकी है, नेशनल, वर्ड याद रखो नेशनल. सेंटर में या यूनियन में जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस. स्टेट में, स्टेट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ स्टेट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है. थर्ड है कंकरंट. कंकरंट में दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है. रेजिड्यूरी में सिर्फ किसके लिए, सेंटर, सेंटर या यूनियन. यानी कि रेजिड्यूरी में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है, यूनियन गवर्नमेंट कह लो या सेंटर गवर्नमेंट कह लो. दो चीजें याद होगी. थर्ड आपने याद रखना है
नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। सीमा प्लीज स्टैंड अप, स्टैंड अप। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? हाँ जी, नहीं पता तभी मैं कह रही हूँ, सुन लो, बैठ जाओ। 97। अब सब्जेक्ट्स लिखो, 97 सब्जेक्ट्स। हम सारे 97 सब्जेक्ट्स नहीं याद कर सकते, लेकिन हमने सिर्फ कुछ बताने हैं जो अकॉर्डिंग टू योर बुक, कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं। नंबर वन हो गया डिफेंस। हमने हमेशा इंडियन आर्मी सुना है, पंजाब आर्मी नहीं सुना। इसका मतलब ये किसके अंडर है? सेंटर। कौन लॉ बनाएगा, कौन लॉ बनाएगा इसके रिलेटेड? सेंटर गवर्नमेंट, डिफेंस। नंबर टू आ जाओ बैंकिंग। बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सारे बैंक्स हमारे, जितने भी बैंक्स हैं ना हमारी कंट्री के, कौन कंट्रोल करता है उनको? रिजर्व बैंक। तो बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी लॉ बनाना है, कौन बनाता है? सेंटर गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। बेटा जब मैं सेंटर गवर्नमेंट की बात करती हूँ, सेंटर गवर्नमेंट का मतलब है उसमें सारा ही आ जाता है, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारा उसमें आता है सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, थर्ड आ जाओ फॉरेन अफेयर। एक मिनट, फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर का मतलब क्या होता है? एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कौन सी ट्रेड या कौन सी ट्रीटी या किस तरह से जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय सेंटर गवर्नमेंट। ये अकेली स्टेट जो है वो किसी कंट्री के साथ थोड़ी साइन करेगी, कंट्री टू कंट्री साइन होगा ना, स्टेट टू कंट्री थोड़ी साइन होगा। तो किसके अंडर होगा ये? किसके अंडर होगा? सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज करेंसी एंड फॉरेन ट्रेड। करेंसी एंड फॉरेन ट्रेड, हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यूएशन इंटरनेशनल मार्केट में क्या होगी, हमने कौन सी करेंसी अडॉप्ट करनी है, ये डिसीजन किसको होगा? सेंटर गवर्नमेंट को। फॉरेन ट्रेड, हमारी कंट्री किस 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 कंट्री के साथ ट्रेड करेगी, तो दैट इज द डिसीजन ऑफ सेंटर गवर्नमेंट। तो ये कुछ जो है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भारत संचार से लिमिटेड सुना है आपने, पंजाब संचार सुना है? नो। तो कम्युनिकेशन किसके अंडर है? सेंटर गवर्नमेंट। रेलवे किसके अंडर है? सेंटर गवर्नमेंट। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर लॉ बनाने, स्टैंड अप, जिनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है? सेंटर। ये क्यों? क्यों? क्योंकि ये किस सब्जेक्ट के लिए है? नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें? 97। सेकंड आ जाओ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में आते हैं, हाँ जी कितने आते हैं स्टेट लिस्ट में? नहीं जी, 66। स्टेट लिस्ट में आते हैं 66 सब्जेक्ट्स, 66 सब्जेक्ट्स। इसमें किस इंपॉर्टेंस के होंगे? नेशनल की स्टेट? स्टेट। इसमें होंगे वो सब्जेक्ट्स जो स्टेट इंपॉर्टेंस के लिए, स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेट के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? आप में से बहुत कम लोग हैं उनको मिले होंगे। पुलिस, पुलिस, पुलिस सब्जेक्ट जो है वो किसके अंडर है? स्टेट, है ना? दूर से देखा होगा, मिले तो नहीं हो गया ना? बस यस, पुलिस। पुलिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर स्टेट का अपना होता है, पंजाब पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस। कीप क्वाइट। इसका मतलब है कि इनसे रिलेटेड लॉ बनाने का राइट किसका होगा? स्टेट का होगा। ठीक है, हाँ जी, नहीं पर रिजर्व जो बैंक है वो उनको कंट्रोल करे। हमारी कंट्री के हमने सुना है इंडियन पुलिस, इंडियन पुलिस सुना है कभी? स्टेट वाइज ही होती है पुलिस। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, सपोज पंजाब गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स को इरिगेशन या इलेक्ट्रिसिटी फ्री देनी, तो दैट डिसीजन विल बी टेकन बाय स्टेट। ये स्टेट का इशू होगा। तो ये स्टेट इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग देयर, उनके एरिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या इरिगेशन सेक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ ट्रेड। नेक्स्ट आ जाओ ट्रेड यूनियन। नहीं, नेक्स्ट आ जाओ ट्रेड यूनियन, कंकरेंट लिस्ट। ट्रेड यूनियन जो है वो कंकरेंट में आती है, ट्रेड यूनियन। अब ट्रेड और ट्रेड यूनियन में क्या फर्क होता है? ट्रेड यूनियन होती है जो एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। दिलप्रीत का चुप नहीं होना बस। ट्रेड यूनियन जो है बेटा, ये वो यूनियंस होती हैं जो स्ट्राइक एजिटेशंस और अपने अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। तो ये कंकरेंट लिस्ट में आते हैं।
तो कंकरेंट का मतलब क्या हो गया, बोथ सेंटर एंड स्टेट। इसका बेस्ट एग्जांपल है एजुकेशन, लिखो एजुकेशन। एजुकेशन में ब्रैकेट में लिख लो फॉर एग्जांपल सीबीएसई एंड पंजाब बोर्ड, दोनों ही बोथ, आईसीएसई भी आता है, मैंने जस्ट एग्जांपल बताया आपको। यानी कि एजुकेशन जो है उसके ऊपर दोनों ही लॉ बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और पंजाब गवर्नमेंट। केशव दिलप्रीत एंड सिमरप्रीत, इनका ग्रुप टूटना चाहिए। नेक्स्ट आ जाओ कंकरेंट में फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से रिलेटेड दोनों ही सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है पॉलिसीज। नेक्स्ट आ जाओ मैरिज एंड अडॉप्शन, मैरिज एंड अडॉप्शन से रिलेटेड है, हेरिटेंस इनहेरिटेंस होता है, प्रॉपर्टी राइट, सक्सेशन, ये टॉपिक जो है वो सेंटर के भी हैं और स्टेट के भी। राघव अरोड़ा इसको नीचे फेंक दो बच्चे। हाँ जी, तो कंकरेंट में है टोटल हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, 47। रेजिडरी के फिक्स नहीं है, रेजिडरी के हैं अनलिमिटेड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद इंपॉर्टेंस में आए, जैसे साइबर लॉज, आईटी सेक्टर, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया, बहुत से ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इनके लिए बनाए जाने चाहिए, लेकिन ये स्टेट वाइज नहीं बनते, ये सेंटर लेवल पे बनते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड है कि रेजिड्यूरी में जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसका है, यूनियन और सेंटर को। ये है आपका सिर्फ एक पॉइंट है, ये फर्स्ट फीचर है फेडरलिज्म का, फर्स्ट फीचर है ये जिसमें आपने बताया लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम में आपको लिस्ट का नेम, उनके सब्जेक्ट्स, और उन सब्जेक्ट्स में कोई भी आपको मैच द कॉलम्स में आ सकता है या आपको अरेंज में भी आ सकता है कि इनमें से कौन कौन से कौन कौन सी लिस्ट में है, ठीक है। सेकंड आ जाओ यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, व्हाट इज द डिफरेंस रिखी, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूटी। क्या स्पेशल पावर दी गई है यूटीज को, हमारी कंट्री में स्टेट्स और यूटीज में इक्वालिटी नहीं है। सम स्पेशल पावर्स हैव बीन गिवन टू यूनियन टेरिटरीज, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज द एरिया वेयर बोथ द स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा हैविंग देयर डिपार्टमेंट्स। हाई कोर्ट भी चंडीगढ़ में है, विधानसभा भी चंडीगढ़ में है, हरियाणा की भी चंडीगढ़ में है, मिनिस्टर सारे चंडीगढ़ है, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर की जो मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय कॉर्पोरेशन। यूटी को दोनों स्टेट से अलग रखा गया है, कंबाइन एरियाज। क्यों, यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं, वो कंबाइन, कंबाइन सपोज ये वॉल है, ये 10th B की भी है और दूसरी क्लास की भी है, ठीक है, और इसका मतलब चंडीगढ़ जो है वो कॉमन एरिया है और कुछ कॉमन एरियाज में दोनों स्टेट्स के लोग रहते हैं और उनसे रिलेटेड सपोज हम ये कह सकते हैं कि चंडीगढ़ के लोग हैं उनके लिए पंजाबी कंपल्सरी नहीं और वहां पे हरियाणा के भी लोग हैं तो जरूरी नहीं है, उनके ऊपर किसी भी तरह से लैंग्वेज की जो है वो बायस नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट में जॉब करनी है तो आपके लिए पंजाबी क्या होती है, 10th में पंजाबी क्या होती है, कंपल्सरी होती है, ठीक है, बैड। लेकिन यूटी में ऐसा नहीं, तो यूटी में कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है और यूटी में किसी भी पर्टिकुलर जो स्टेट है जैसे पंजाब एंड हरियाणा है उनका कंट्रोल नहीं होगा, तो डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा, सेंटर गवर्नमेंट। याद रखो यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर गवर्नमेंट, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, दिल्ली, दिल्ली NCR है। दिल्ली क्या है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी या रीजन, दिल्ली की अपनी गवर्नमेंट है और दिल्ली के CM कौन है, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। तो बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है ना उनसे दिल्ली को अलग रखा गया है NCR। दिल्ली में इलेक्शंस अलग होते हैं और उनके जो इलेक्शंस हैं वो बाकी यूटीज से अलग है। तो अब आप देखो कि इंडिया में तीन तरह के एरियाज हो गए, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और दिल्ली। बिल्कुल दिल्ली क्या है, दिल्ली अलग है, दिल्ली कैपिटल है। अब आप दिल्ली का देखो कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसमें ऑल इंडिया लेवल की भी गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है और दिल्ली की अपनी मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। तो इट मीन्स कुछ कुछ एरिया जो है उनको स्पेशल पावर्स दी गई है हमारी कंट्री। नेक्स्ट आ जाओ, दिल्ली में एक तरह के लोग नहीं है, मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल लोग हैं और वहां की मैनेजमेंट या वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पे अलग से गवर्नमेंट बनाई गई। नेक्स्ट आ जाओ अमेंडमेंट,
मैंने अभी बताया अमेंडमेंट प्रोसीजर एक लेवल के द्वारा नहीं होता, अलग अलग लेवल है, सेंट्रल अलग है, स्टेट है, टू थर्ड मेजोरिटी होगी तो ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होगा। और कभी भी पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक ही बार चेंज नहीं हो सकता। हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। रिजिड का मतलब क्या है? टू हार्ड टू चेंज। नॉट अ सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हाउ इट इज प्रैक्टाइज हमारी कंट्री में फेडरलिज्म। प्लीज आराम से बैठ जाओ, मैंने ना आपको पूरा टॉपिक मैंने एक पीरियड में खत्म करना है क्योंकि इसके बाद मेरा पीरियड नहीं है, नेक्स्ट वीक आओ। तो हाँ प्लीज कॉपरेट कर लो, सुन लो थोड़ा। नेक्स्ट इज हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टाइज। इसके थ्री हेडिंग्स, अगर तो ये 5 मार्क्स में होता ना तो हम 5 मार्क्स में बच्चों को बोलते कि बेटा 3 हेडिंग्स आप याद कर लो। नंबर 1 लिंग्विस्टिक स्टेट्स, नंबर 2 लैंग्वेज पॉलिसी एंड 3rd इज सेंटर स्टेट रिलेशन। लेकिन अब आपने इसको MCQs की फॉर्म में याद करना है तो सबसे पहले नंबर 1 लिंग्विस्टिक स्टेट्स में आपने क्या याद रखना है। नॉर्मली देखा जाए तो हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनको लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनको लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर नहीं बल्कि कल्चर, उनकी एथनिटिसी एंड ज्योग्राफी के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक यू हैव टू रिमेम्बर द नेम्स नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। इनको लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर नहीं, इनके अपने ट्राइबल, इनकी ट्राइबल हिस्ट्री है, इनके फिजिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, कल्चर और इनकी एथनिक कंपोजिशन के बेसिस के ऊपर इन स्टेट्स को बनाया गया। अदरवाइज हमारी कंट्री में बहुत सी स्टेट्स हैं जिनको लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर बनाया गया, जैसे पंजाब पंजाबी, गुजरात गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी, ऐसे। ठीक है, आगे आ जाओ लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी, पूरी कंट्री में सिर्फ 40% लोग हैं जिनकी मदर टंग क्या है, हिंदी है, लेकिन सदरन इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी बोलनी तक नहीं आती। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी इज आर ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी के अलावा एक और लैंग्वेज ऑफिशियल है, कौन सी? इंग्लिश। इंग्लिश इज आल्सो आर ऑफिशियल लैंग्वेज।